नए कृषि कानून को लेकर गुस्साए किसानों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। इतना ही नहीं, किसानों ने दिल्ली के सारे बॉर्डर जाम कर दिए हैं, डेरा जमाकर किसान वहां बैठ गए हैं। आर पार की लड़ाई है किसानों की सरकार के खिलाफ। और इतना ही नहीं, किसानों ने अब भारत बंद कर देने का ऐलान किया है। ऐसी नौबत क्या आ गई कि किसानों को ये कदम उठाना पड़ा कि अब भारत बंद होगा। कड़ाके की ठंड में भी किसान अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए हर उपाय कर रही है। कोरोना काल में राजधानी आ पहुंचे देश के अन्नदाता कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। 10 दिन हो गए और किसानों को मिली है तो सिर्फ तारीख। आपको पहले दिन से 10वें दिन तक की हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है। आंदोलन का पहला दिन, नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। पहले दिन पंजाब से किसानों ने दिल्ली कूच किया, लेकिन किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। आंदोलन का दूसरा दिन, किसान जंतर मंतर जाने के लिए अड़े रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया और किसानों को रोकने के लिए बल का भी प्रयोग किया। आंदोलन का तीसरा दिन, पंजाब किसानों को देखते हुए हरियाणा किसानों ने भी दिल्ली कूच किया, जिससे दिल्ली में पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई। आंदोलन का चौथा दिन, चौथे दिन किसानों ने जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। आंदोलन का पांचवा दिन, किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखकर सरकार सकते में आ गई। सरकार ने किसानों को बुराड़ी मैदान जाने को कहा। आंदोलन का छठा दिन, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद किसानों और सरकार की बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। आंदोलन का सातवां दिन, किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा के अलावा यूपी किसानों ने भी दिल्ली कूच किया। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आंदोलन का आठवां दिन, किसान संगठन और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बैठक में भी कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद किसानों का आंदोलन और भी उग्र हो गया। आंदोलन का नवा दिन, पांचवें दौर की बैठक से पहले किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरी दिल्ली बंद कर देंगे। आंदोलन का दसवां दिन, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंधु बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर किसान डटे हुए हैं। अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक और यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक सभी किसान सिंधु बॉर्डर पहुंच चुके हैं। किसानों की एक ही मांग है कि नए कृषि कानून को खत्म किया जाए और MSP पर गारंटी दी जाए। अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो किसान आंदोलन खत्म कर सकते हैं, और अगर सरकार फिर अगली तारीख देती है तो फिर किसानों को रोक पाना मुश्किल होगा। सरकार नए कृषि कानून बिल को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही और किसान भी अड़े हुए हैं कि वो अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार क्या किसानों की ये नाराजगी दूर कर पाएगी।